पर गाड़ी नहीं रुका, एक भी गाड़ी नहीं रुका, एक भी गाड़ी रुका तो आधे गाड़ी रुका, एक भी गाड़ी नहीं रुका। नहीं, आधा गाड़ी पहले हमारे राजद का नेता जो प्रकाश बाबू थे, छठ गाड़ी यहाँ रुकवाए। अच्छा, और चिराग पासवान जी ने रुकवाए? नहीं रुकवाए, आधे गाड़ी रुकवाए। क्या क्या है यहाँ? और सुविधा तो नजर से रहता भी तो सुविधा रहता है, जब साहेब लोग आते हैं तो सुविधा रहता है। अच्छा, साहेब लोग आते हैं तब सुविधा रहती है। उनको यहाँ से दिल्ली जाने का सारा साधन है। अच्छा, हम लोगों का साधन के नाम पर एक स्टेशन है। अच्छा, और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में ट्रेन की ठहराव है। अच्छा, अगर इस चीज पर वो ध्यान दें तो सबसे बहुत बड़ा इस क्षेत्र का सभी भाई लोग के लिए उपकार होगा। बस कितने दूर दूर से यहाँ आते हैं? यहाँ से जमुई जिला से और अन्यत्र जिला से भी लोग आते हैं चढ़ने के लिए। जमुई के बगल में नवादा डिस्ट्रिक्ट है, बगल में जो है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, बगल में इधर जो है बांका डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, सब क्षेत्र से लोग आते हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। अच्छा, लेकिन साधन के नाम पर जो है यहाँ पे अभी बहुत सारा कमी है। अच्छा, साधन के नाम पर आपको 23 करोड़ रुपया मिला है तो रेलवे का? रेलवे में मिला है, लेकिन जब तक हम लोग को धरातल पर विकास नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम लोग को संतुष्टि नहीं होगी। अच्छा, धरातल पर विकास नहीं दिखा, विकास दिखाई नहीं पड़ती है, बस सिर्फ। आप तो रेलवे स्टेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ कितने दूर दूर के लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आते हैं? बहुत दूर दूर का आता है, कौवापुर से, नवादा से। अच्छा, आप खड़गपुर से भी मुंगेर तक का क्षेत्र का भी आता है? अच्छा, अब जो है ये योजना दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो इससे क्या क्या आपको लग रहा है कि ये चीज चेंजिंग होगा? अब स्टेशन बनेगा, स्टेशन तो बनेगा ही, लेकिन अब भी जो सुविधा है उसके अनुसार से फिर क्या कहेंगे आप मोदी जी को? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। चलिए, अभी सभी के लोगों के चेहरा पर मुस्कान है कि रेलवे स्टेशन। कहाँ घर हुआ आपका? मलयपुर। जो रेलवे स्टेशन में पंडाल लगाया जा रहा है वो क्या चीज के लिए? ये विकास के पैसा कुछ आ रहा है उसके लिए। क्या जैसे में आपको? जैसे में वही सब, मैंने 23 करोड़ रुपया रहा है। अच्छा, 23 करोड़ रुपया रहा है, क्या चीज के लिए? ये विकास होगा यहाँ पर, सुंदरीकरण के लिए। अच्छा, रेलवे का विकास होगा, रेलवे स्टेशन का? रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का विकास होगा, इसके लिए पैसा आ रही है। तो कौन कौन आएंगे इसमें? चिराग पासवान जी आ रहे हैं और सब विधायक जी रहेंगे। और तो अच्छा, चिराग पासवान जी बिहार में रहे हैं। अच्छा, आपका तो घर लोकल है। हाँ। लेकिन यहाँ कौन कौन सा सुविधा था, अब होगा, इसके लिए क्या कहेंगे? सुविधा तो इस समय देखिए, गाड़ी कौन सा? वही मैंने कुम्भा, एक तरफ रुकता है एक तरफ नहीं रुकती है। कुम्भा एक तरफ रुकता है एक तरफ नहीं रुकती है, यानी आधे रुकवा, यानी लोगों का कहना है। प्रकाश बाबू चार गाड़ी यहाँ दिए, चार गाड़ी रुकवा जी। हाँ, तो कल आएंगे चिराग पासवान जी आएंगे तो उनसे क्या सवाल करेंगे? सवाल यही सब होना चाहिए, गाड़ी तो बढ़ना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए। तो अब तो रेलवे का विकास कर रहे हैं तो अब तो और मतलब जो है ना, वही बात ना, कुछ यहाँ पर कुछ तोहफा में दो चार गाड़ी यहाँ रुकना चाहिए। अच्छा, कुछ गाड़ी रुकना चाहिए। कुछ बोलना चाहता हूं एमपी महोदय के आपके थ्रू जो है, मैं उनसे विनती करता हूँ, खाली जो है खाना पूर्ति के नाम पर बस ये करोड़ों की आमदनी और ये खर्च होती है। तो और तो अब तो मतलब जो है ना, और यहाँ है बहुत सा पब्लिक है, युवा तो भागते हैं, क्यों भाग रहे हैं प्रश्न करना चाहिए। रेलवे स्टेशन है जो मॉडिफाई हो रहा है, इसके लिए आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कैसा? मतलब देखिए, ये चीज तो होना ही चाहिए। जमुई स्टेशन जो है बहुत बड़ी स्टेशन है, ये बहुत जिला का मुख्य स्टेशन माना जा रहा है और है भी, क्योंकि यहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं, दूर दूर की ट्रेन पकड़ते हैं। आपका नवादा जिला हो या फिर जो है खड़गपुर मुंगेर जिला हो, इस सब जगहों से लोग जो है यहाँ पे आकर के और अपना ट्रेन पकड़ के गंतव्य स्थान पे जाते हैं। और तो यहाँ इसे मतलब कैसा आपको महसूस हो रहा है कि अब जो हमारा रेलवे स्टेशन का जो एक नवीकरण होगा, इसके विषय में क्या कहेंगे? नवीकरण होना जरूरी था, जिस तरह यहाँ जो है पब्लिक का आवागमन है, हजारों लोग जो है यहाँ पर जाते हैं आते हैं, और यहाँ पे किसी भी तरह का सुविधा था, लेकिन सुविधा पूर्ण रूप से सुविधा की बहुत कमी थी, शौचालय की कमी थी, रहने बैठने की कमी थी। और इस आधुनिक युग में अगर प्रधानमंत्री के द्वारा स्मार्ट स्टेशन का अगर दर्जा दिया गया तो इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री का बहुत आभारी है। चलिए, अभी जैसा कि बता रहे थे धर्मवीर जी कि यहाँ
बहुत चीज के कमियां थी, अब भारत योजना के अमृत भारत योजना के तहत जो भी सुविधा दिए जा रहे हैं इसके लिए प्रधानमंत्री का आभारी है। और